Subscribe to my channel. Press the bell icon for watching my new videos. हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं वॉर मूवी और सेरा मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, वो भी ऑफिशियल कलेक्शन आपको बताऊंगा ऑल ओवर इंडिया से कितना मूवी ने कलेक्शन किया है 6th डे में और 7th डे का प्रेडिक्शन। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधे सीधे आपको कलेक्शन की तरफ ले चलता हूँ। इससे पहले कि आपने मेरी पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। और मैं आप बता दूँ, वॉर मूवी तो मतलब थमने का नाम ही नहीं ले रही। मंडे में मूवी ने आप कह सकते हैं इतना ज़बरदस्त कलेक्शन किया कि मुझे नहीं लगता किसी को भी उम्मीद होगी। हालांकि मैंने कल रात को आपको प्रेडिक्शन बता दिया था मूवी का कि मूवी के जो कलेक्शन आ रहे हैं वो 20 करोड़ प्लस के कलेक्शन है, और एग्जैक्टली मूवी ने 20+ का ही कलेक्शन किया। और मैं आपको एग्जैक्ट कलेक्शन बताऊँ तो हिंदी में मूवी ने 20 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन किया है और तमिल प्लस तेलुगु मूवी ने 90 लाख का कलेक्शन किया है। यानी कि टोटल मंडे का मूवी का कलेक्शन हुआ 21 करोड़ 50 लाख, 21 करोड़ 50 लाख का। और अगर बात करूँ मूवी के ऑल ओवर इंडिया की फर्स्ट 6 डेज़ के टोटल कलेक्शन की तो वो होता है 187 करोड़ 75 लाख। जी हाँ दोस्तों, 187 करोड़ 75 लाख का मूवी ने कलेक्शन कर लिया है नेट इंडिया में। और बात करूँ अगर वर्ल्ड वाइड की तो 297 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन। तो अब सिंपल सी बात है कि ये मूवी आज के दिन 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड में क्रॉस कर जाएगी और इंडिया में 200 करोड़ इजीली क्रॉस कर जाएगी, जिसमें कोई भी शक नहीं है। वहीं बात करूँ अगर 7th डे की प्रेडिक्शन की यानी आज के दिन की, तो आज आपको पता है विजयदशमी है और दशहरा है। तो पहले तो आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं कि आज के दिन की जो रिपोर्ट्स आने वाली है वो मंडे से भी अच्छी है। ऑक्यूपेंसी तो अभी अच्छी आ रही है, लेकिन मैं आपको कुछ टाइम के बाद यानी 2 से 3 घंटे के बाद इसकी ऑफिशियल ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट्स बताऊंगा, मॉर्निंग की, आफ्टरनून की, इवनिंग की। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो पहले तो बता दूं कि 7th डे में अभी तक जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मूवी 23 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर जाएगी। अगर बात करूँ टोटल कलेक्शन की तो 210 करोड़ 75 लाख का नेट कलेक्शन इंडिया में, और वर्ल्ड वाइड में लगभग मूवी का जो कलेक्शन है 297 करोड़ से 300 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मूवी ने अपने फर्स्ट 6 डेज़ में टोटल कलेक्शन किया था 270 करोड़ वर्ल्ड वाइड में ग्रॉस कलेक्शन, और मुझे लगता है कि अपने 7th डे में यानी अपने पहले वीक में वर्ल्ड वाइड से मूवी लगभग 300 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन कंप्लीट कर जाएगी। अब क्या होता है वो मैं आपको शाम तक इसकी रिपोर्ट्स जरूर बताऊँगा। अब चलते हैं सीधे सेरा मूवी की तरफ। सेरा मूवी हिंदी मार्केट में काफ़ी आप कह सकते हैं अंडरग्राउंड, या आप कह सकते हैं एक इतनी प्रचलित नहीं हुई लोगों में, और लोग इस मूवी को आप कह सकते हैं जान ही नहीं पाए इस मूवी के बारे में कि मूवी रिलीज़ हुई है, कौन कौन इसमें स्टार है, क्योंकि ये मूवी दब गई, यानी कि वॉर मूवी के चलते दब गई, क्योंकि वॉर मूवी बहुत बड़ी हिट हो गई। वॉर मूवी को क्रिटिक्स से भी बहुत अच्छे रिस्पांस मिला और ऑडियंस से तो मिला ही मिला। ऊपर से इसमें ऋतिक रोशन थे जो कि आप कह सकते हैं कि यूथ में उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। न्यू स्टार टाइगर श्रॉफ थे, इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये तो होना ही था कि वॉर मूवी तो चमकनी थी ही थी। बस स्टार्टिंग में इतना डाउट था कि इसको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा भी या नहीं, लेकिन जैसे ही इस मूवी को पॉजिटिव रिस्पांस मिला तो फिर श्योर था कि ये मूवी अब न्यू रिकॉर्ड बनाने वाली है। और ज़्यादातर चांसेस यही थे कि ये मूवी टाइगर श्रॉफ के करियर की और ऋतिक रोशन सर के करियर की हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी बनेगी, और मुझे लगता है कि ये मूवी 300 करोड़ भी क्रॉस कर सकती है वॉर मूवी। लेकिन अगर बात करें सेरा मूवी की, तो जैसा मैंने आपको बताया ये वॉर मूवी के चलते दब गई, लेकिन फिर भी इसने तेलुगु मार्केट में मेंटेन रखा। हालांकि तमिल में तो मूवी का कलेक्शन बहुत लो है और आप कह सकते हैं ना के बराबर है। और वहीं अगर बात करूँ मैं तेलुगु की और हिंदी की, तो उसमें ये मूवी एक अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है, खासकर तेलुगु में। तो चलिए सीधे आपको कलेक्शन बता दूँ। मूवी ने अपने 6th डे में ऑल ओवर इंडिया से 10 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया है, 10 करोड़ 40 लाख। अगर बात करूँ हिंदी की तो 80 लाख का हिंदी में किया है, तमिल में सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का किया है, तेलुगु में 9 करोड़ 40 लाख का किया है, और मलयालम में 3 लाख का किया है, और कन्नड़ में 7 लाख का किया है। और अगर बात करूँ अभी तक के टोटल कलेक्शन की, तो फर्स्ट 6 डेज़ में मूवी ने 135 करोड़ 20 लाख का इंडिया में नेट कलेक्शन कंप्लीट कर लिया है। और अगर बात करूँ आपसे वर्ल्ड वाइड की तो 194 करोड़ यानी कि 194 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कंप्लीट कर लिया है, 181 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कंप्लीट कर लिया है।
सेवंथ डे यानी आज का दिन मंडे है, तो दशहरे का फ़ायदा तो सेहरा मूवी को भी मिलेगा, लेकिन हिंदी में उतना फ़ायदा मिले या नहीं, लेकिन ग्रोथ जरूर होगी आज के दिन से, कल के दिन से आज के दिन में ग्रोथ जरूर होगी। और अगर बात करूँ मैं तेलुगु स्टेट्स में, तो वहाँ पे ये मूवी धमाल करने वाली है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं 10 करोड़ के आसपास का कलेक्शन ये मूवी सिर्फ और सिर्फ तेलुगु स्टेट से ही कर जाएगी नेट कलेक्शन। और अगर बात करूँ 7 डेज़ की, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 11 डेज़ का इस मूवी का कलेक्शन हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया से। और अगर बात करूँ टोटल कलेक्शन की, तो 146 करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया में, और बात करूँ वर्ल्ड वाइड की तो 194 करोड़ यानी कि 194 करोड़ का कलेक्शन कम्प्लीट कर जाएगी। तो ये थी मेरी आज की रिपोर्ट्स वॉर मूवी और सेरा मूवी के बारे में। दोनों ही मूवीज़ को रिव्यूज़ तो काफ़ी अच्छे मिले हैं, लेकिन अगर बात करूँ कलेक्शन की, तो कहीं ना कहीं वॉर मूवी हिंदी मार्केट में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन कर रही है, और सेरा मूवी तेलुगु मार्केट में अच्छा कलेक्शन कर रही है। वैसे आपको क्या कहना है इन दोनों मूवीज़ के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, आपको क्या लगता है कि लाइफ टाइम में इन दोनों ही मूवीज़ का कितना कलेक्शन हो पाएगा? क्या वॉर मूवी 300 करोड़ नेट इंडिया में क्रॉस पर कर पाएगी, और सेरा मूवी नेट इंडिया में 200 करोड़ क्रॉस कर पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।